हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन डिफेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी का 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया गया है एआरओ हमीरपुर के द्वारा सोल्जर जीडी ट्रेड के लिए 1 नवम्बर 2020 को। तो आज की इस वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन वाइज देखेंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर था इसमें। और इसमें अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में थे 50। टोटल नंबर थे 100, यानी कि हर एक क्वेश्चन दो नंबर का था। पासिंग मार्क्स इसमें रखे गए हैं 35 और ड्यूरेशन यानी कि टोटल टाइम था इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का 60 मिनट का। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए से, जो कि है जीके सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका आंसर जो है इसमें होगा डी ऑप्शन, यानी कि अहमदाबाद एंड मुंबई। तो जो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन जो है वो किसको किससे जोड़ेगी, तो वो जोड़ेगी अहमदाबाद को मुंबई से। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन 1600। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह है दिल्ली में स्थित, यानी कि सी ऑप्शन। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ, तो एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी, तो ये जो नीति थी ये थी बी ऑप्शन, हिटलर की। तो हिटलर की ये नीति थी जो कि थी एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की। हाउ मैनी कंट्रीज आर मेम्बर ऑफ शार्क, तो शार्क के जो सदस्य देश जो हैं वो टोटल जो हैं कितने हैं, तो ये हैं टोटल 8, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 8। मोहन बगान इज़ अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट, तो मोहन बगान किस खेल की टीम है, तो ये है इसका ऑप्शन होगा फुटबॉल, दैट इज़ डी ऑप्शन। तो सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डी, दैट इज़ फुटबॉल। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन, दैट इज़ प्रशांत महासागर। तो डी ऑप्शन होगा आंसर 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, तो रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है लेनिन, दैट इज़ ए ऑप्शन। तो जो रशियन रिवोल्यूशन है उनका फादर कहा जाता है लेनिन को, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज़ अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड, तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो स्थित है डी ऑप्शन, गुजरात। तो गुजरात इसका सही आंसर है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। विच अमंग फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट इरीगेशन कनाल इन इंडिया, तो सबसे बड़ी कृषि नहर जो है वो है इंदिरा गांधी कनाल, दैट इज़ ए ऑप्शन। टेन्योर ऑफ वाइस प्रेजिडेंट इज़ ऑफ हाउ मैनी ईयर्स, तो इसमें पूछा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। कालाहारी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये है ए ऑप्शन साउथ अफ्रीका में, तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, अब शुरुआत करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो कि आएंगे आपके 16वें क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक। तो शुरुआत करते हैं 16th क्वेश्चन से। तो 16th क्वेश्चन इसमें है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, तो ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, तो खगोलीय जो खगोलीय दूरी है उसके नापने की इकाई कौन सी होती है, तो होती है लाइट ईयर, दैट इज सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो है वो नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बल्ब, बी ऑप्शन बल्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस जो है वो भरी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर है ओहम, तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट जो है यानी कि साधारण नमक, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है NaCl, तो किसमें का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन NaCl।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। तो बिजली के जो हीटर होते हैं उसका एलिमेंट किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है निक्रोम का। तो ए ऑप्शन जो है 22nd का आंसर होगा, दैट इज निक्रोम। व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज कैप्ड इन एसिटिक एसिड, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर। जब जो है ब्लू लिटमस पेपर को रखा जाता है एसिटिक एसिड में, तो इसका कलर जो है किस में चेंज होता है, रेड कलर में। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, रेड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड में, दैट इज सी ऑप्शन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज, तो शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है स्कर्बी, दैट इज डी ऑप्शन, स्कर्बी। अगला क्वेश्चन है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेस, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो यह है मीथेन, डी ऑप्शन। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय मैन ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की धातु जो है वो कौन सी है, वो है कॉपर यानी कि तांबा, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो कितना है, तो इसका प्रतिशत है 21%, यानी कि ए ऑप्शन 21% जो है इसका राइट आंसर है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है एयर में वो होती है 21%, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज द आईज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर, तो ये येलो कलर की होती हैं, दैट इज डी ऑप्शन, तो 30th का आंसर है डी, येलो। नेक्स्ट अब सेक्शन सी की बात करेंगे जो कि है मैथमेटिक्स का सेक्शन। इसमें 31 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन तक जो हैं मैथमेटिक्स के होंगे। तो इसमें 31st क्वेश्चन है, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशंस 40 मीटर बाय 60 मीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 120 मीटर बाय 160 मीटर। तो इसमें हमें बताना है कि एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से हम कितने 40 मीटर और 60 मीटर के मैदान जो हैं वो बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई 160 डिवाइडेड बाई 40 into 60, और इसको डिवाइड करके जो आएगा वो इसका आंसर होगा, दैट इज़ डी ऑप्शन, 8। तो 8 ऐसे मैदान जो हैं आयताकार हम बना सकते हैं 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ़ परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, देन लेंथ ऑफ बेस इज, तो इसमें पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज जो है उसका लंब है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि आधार जो है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो एरिया जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, वो होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बेस से जिसको हम मान लेंगे बी, और डिवाइड कर देंगे 2, और इक्वल टू हो जाएगा एरिया जो कि है 20। तो इसमें हम जो बी की वैल्यू है वो निकल के आएगी 5, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 693, इफ़ वन नंबर इज 77 फाइंड द अदर नंबर। तो HCF को हम यहाँ पे LCM से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 77 से, और जो इसका आंसर आएगा वो निकल के आएगा अदर नंबर। तो इसका आंसर जो यहाँ पे निकल के आएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे वन नंबर से, तो आंसर आएगा इसमें 99। तो बी ऑप्शन 99 जो है इसका सही उत्तर होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, तो इसमें जो पूछा गया है हमारे पास कि जो सम है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का, वो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 10,999। जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो है 9999 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। जब हम इसको सम करेंगे इनका जोड़ करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 10,999। 35वां क्वेश्चन है, अगर 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो उसी काम को करने के लिए 40 आदमी जो है कितने दिन लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 डेज़। तो ए ऑप्शन यानी कि 10 दिन में 40 आदमी जो है उसी काम को ख़त्म कर देंगे, तो इसको हम निकाल सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 40, और सही आंसर जो आएगा इसका वो होगा ए ऑप्शन, 10 डेज़। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कम्प्लीट द सीरीज़,
तो इसमें हमें ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है 7, 14, 28, 56, fill in the blank। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा हर एक डिजिट का, तो इसमें भी 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा हमारे पास 112। तो इस सीक्वेंस में लास्ट में आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ राज बाउट एन अम्ब्रेला फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला। तो इसमें राज ने कॉस्ट प्राइस जो ख़रीदा इसका वो है ₹100, प्रॉफिट उसको हुआ जब उसने उसको बेचा ₹10 का, तो इसका सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, तो ये होगा ₹110। तो सी ऑप्शन जो है 37 क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ₹110। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹900 इन 4 ईयर एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सम जो है इसमें क्या होगा ये हमें बताना है। तो सम ऑफ मनी बिकम्स ₹900, तो अमाउंट जो है वो बन जाता है यहाँ पे 900, टाइम है 4 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन टाइम्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा ₹750। तो 38th क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज 750। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो पहले जो 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इनका हमें मीन निकालना है, तो इनका मीन जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 5, तो ए ऑप्शन 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो पहले 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होंगे वो होंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9, और इनको हम एडिशन करके डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा 5, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करके आएगा 126 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सैलरी ऑफ अ मैन वॉज 20,000, द सेम वॉज इंक्रीज्ड बाई 14%, फाइंड द न्यू सैलरी। तो एक बंदे की जो तनख्वाह थी वो थी 20,000, और इस पे ही इसको इंक्रीज़ किया गया 14%, तो अब नई सैलरी उसको क्या मिलेगी। तो हमें यहाँ पे 14% ऑफ 20,000 करना है और उसको ऐड कर देना है 20,000 में, वो जो है उसकी न्यू सैलरी आएगी। तो 41st का आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, दैट इज़ 22,800। तो 22,800 रुपया उसकी नई सैलरी जो है वो बन के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर बताना है, तो वो होगा 1681, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, 42 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ 5 इज़ एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ नंबर इट बिकम 6, देन द नंबर इज़। तो अगर हम किसी नंबर का ट्वाइस करते हैं और उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो वो बनता है 6, तो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 2x + 5 = 6, और यहाँ पे x की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी a, दैट इज़ 0.5। तो 0.5 जो है इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 496 इज़ डिवाइडेड बाई 6। तो जब हम 496 यानी कि 496 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 4, दैट इज़ सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% ऑफ 100, तो 100 का जो 25% होगा वो होगा 25, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 25। अब आते हैं लास्ट सेक्शन पे जो कि है सेक्शन डी, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग की। तो इसमें हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है सीरीज़ की, तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी सीरीज़ में वो आएगी यहाँ पे QRS। तो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे वो बनेगा सी ऑप्शन, QRS। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्टेन कोड में बताया गया है कि AWS जो होगा उसको बोलेंगे PAT, तो BYS को कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा B, दैट इज़ CAT। तो कैट जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रॉम द ऑप्शन फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीरीज़, तो यहाँ पे सीरीज़ दी गई है 1, 4, 9, 16, 25, 36, fill in the blank, 64, 81, 100। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन में यहाँ पे आएगा वो आएगा 49, तो डी ऑप्शन यहाँ पे 49 जो है सीरीज़ में फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज स्क्वेयर लिया जाएगा, दैट इज़ 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4,
थ्री का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49. नेक्स्ट इज विजय वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टर्निंग टू राइट, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर. हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी लोकेटेड है उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे आंसर होगा इसका 3 किलोमीटर. तो डी ऑप्शन 3 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा, यानी कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस जो है वो है 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर है. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. इन अ सर्टेन कोड 15789 को लिखा गया है XTZL और 2346 को लिखा गया है NPSU. तो 23549 को क्या लिखा जाएगा? तो इसका लिखा जाएगा NPTSL. तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा NPTSL. तो गाइज ये था पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि था ARO हमीरपुर का सोल्जर GD 2020 का क्वेश्चन पेपर. अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें. अगर ये वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में, और इस तरह के वीडियोज़ आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में.